लेने को तो वैसे फार्म टैग भी हो और महिंद्रा भी, पर महिंद्रा का तो हमें लुक ही अच्छा नहीं लगा। अच्छा हाँ, राम राम मेरे किसान भाइयों, एक नई वीडियो में स्वागत है। और आज अपने पास न्यूलैंड 3630 प्लस है, ये 12+3 यूजी गियर बॉक्स में आता है भाई ट्रैक्टर। और इस ट्रैक्टर को लोग पसंद बहुत करते हैं और इसीलिए मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ भाई। और ये हैरो पर चल रहा है 15 की पे। और भाई ओनर से भी बात कराऊंगा मैं, कैसा रेस्पॉन्स है इस ट्रैक्टर का, क्या ओनर खुश है। इससे पहले ये और दूसरा ट्रैक्टर चलाते थे। और देखो भाई, किसान तो देख के ही ट्रैक्टर लेता है कि भाई इसके पास ये वाला ट्रैक्टर है, चलो ये वाला अच्छा होगा, ये वाला ले लो। तो ऐसे ही भाई ने खरीदा था, क्योंकि पास में ही इनके एक ट्रैक्टर कंप्यूटर मांझे पर चलता था, उसे ही देख के ये ले आए थे। अब मैं भाई किसान से बात कराऊंगा आपकी कि कैसा निकला ये ट्रैक्टर, क्या इन्हें पसंद है। और मात्र 1500 RPM पर चल रहा भाई ये, 15 डिस्क की हैरो है। और ओनर से पूछते हैं क्या इसका फ्यूल खर्च है और ये क्या इन्हें पसंद है, कि भाई जैसा लेने के बाद आदमी के मन से उतर जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई न्यू हॉलैंड दबता बहुत है, RPM बहुत ड्रॉप करता है, तो उसके बारे में ओनर से बात करेंगे। अब मैं किसान भाई का आपसे परिचय करा देता हूं और पूछते हैं कि भाई जब इन्होंने न्यू हॉलैंड लिया था तो इसमें और उस टाइम पे कौन कौन से ट्रैक्टर देख रहे थे लेने के लिए, और इसका क्या डेमो लिया था या बस खाली चलते हुए देखा था किसी किसान का और ले लिया था। तो भैया का एक बार परिचय करवा देते हैं। मेरा नाम पवन पवार है, ग्राम सिरसा ठाट से हूँ और काट तहसील है, जिला मुरादाबाद है मेरा। क्या आपने एक ट्रैक्टर किस कीमत के अंदर खरीदा था और कौन से सन में खरीदा था? भाई ये 2019 में हमने खरीदा है और ये हमें 7,35,000 का ये ट्रैक्टर पड़ा था। और इससे पहले आप और कौन सा ट्रैक्टर चला रहे थे? इससे पहले हमने फार्म ट्रैक का 34 HP चलाया है। तो उससे तो ये काफी बड़ा है, आपको पावर में भी काफी अंतर लगा होगा। उससे तो ये इतना बड़ा है कि उसमें और इसमें तो धरती आसमान का अंतर है। अच्छा, फ्यूल की अगर बात करें, जैसे वो छोटा ट्रैक्टर था तो भाई उसका तो फ्यूल कम, बहुत ज़्यादा कम बताते हैं लोग बार, तो ऐसा तो नहीं लगा कि कभी इसका भाई फ्यूल बहुत ज़्यादा है? जैसे आप 34 HP से सीधे 35 HP पर शिफ्ट हुए तो कभी ये फील तो नहीं हुआ कि भाई तेल ज़्यादा ले रहा है? हमें कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वो, हम तो आज भी हमें ऐसा लग रहा है कि हम 34 HP चला रहे हैं, मतलब के चक्कर में तो, मतलब खाली में भी और कभी लोड पे भी नहीं लगा? लोड पे भी हमें ऐसा नहीं लगा। जो ये 55 HP ट्रैक्टर हैं उनके मुकाबले इसका फ्यूल बहुत अच्छा है, मतलब जितने भी इसके कम लेता है उनसे कम ही लेगा 55 HP के, जितने भी ट्रैक्टर आते हैं लोड पे। और खाली की बात करें तो उसमें तो वैसे ही कम लेता है, इसका नाम है भाई बहुत कम लेता है, उसमें तो ऐसे समझो जैसे कि हम आयशा ट्रैक्टर चला रहे हैं। अच्छा, अगर इसकी बात करें और क्या क्या चीजें इसमें अच्छी लगी? एक तो हमें जो इसका ये हाइड्रोलिक वाला जो लीवर उठाने और गिराने वाला सिस्टम, इसमें एक बटन दिया हुआ है। अच्छा, लिफ्टोमेटिक? हाँ, लिफ्टोमेटिक, उसमें हम अपने लीवर सेट करते हैं और उस बटन से ही अपना चलाते हैं। अच्छा, और क्या क्या चीज अच्छी लगी? चलो वो तो लिफ्ट हो गई, और क्या क्या चीज अच्छी लगी इसमें? बाकी इसमें जो ये हमारा साइड में गियर बॉक्स दिया है, ये बहुत ही बढ़िया चलता है और बड़ा ही आरामदायक है। अच्छा, बहुत मतलब स्मूथली वर्क करता है, हल्का चलता है, बहुत ही बढ़िया चलता है। अगर इसके घंटों की बात करें, कितने घंटे चल चुका है अब तक ट्रैक्टर? ये 1600 घंटे चल चुका है हमारा। तो अभी मेंटेनेंस, मतलब सर्विस के अलावा और कुछ मेंटेनेंस आया हो, जैसे कि कोई इशू आ गया हो ट्रैक्टर में, ऐसा कुछ? अभी अभी तक तो ऐसा कोई इशू उसमें आया नहीं, मतलब बढ़िया वर्क कर रहा है, बढ़िया वर्क कर रहा है। और अगर सर्विस कॉस्ट की बात करें तो वो कितने रुपए आ रही है भाई साहब? सर्विस कॉस्ट तो हमारी वो 4000 रुपए आ रही है इसकी। और 300 घंटे पे सर्विस कराते हो आप? 300 घंटे पे इसकी हम सर्विस कराते हैं। अच्छा, बंदा तो घर ही जाके सर्विस करता होगा? बिल्कुल, जिस टाइम भी फोन कर देते हैं उसी टाइम चलाता है सर्विस। मतलब न्यू हॉलैंड की आप सर्विस से भी खुश हैं और इसके मेंटेनेंस से भी खुश हैं? बहुत ही बढ़िया ट्रैक्टर है, मतलब किसान के हित का ट्रैक्टर है। अगर भाई साहब इसकी निगेटिव की बात कर लें, ये तो चलो अच्छा ही होगी भाई, अपना ट्रैक्टर सबको अच्छा लगता है। कुछ ऐसी एक आध निगेटिव बात होती है कि भाई जिसमें कंपनी को सुधार करना चाहिए, अगर वो किसान बताएगा तो ही सुधार कर पाती है कंपनी, क्योंकि फीडबैक जाता है। निगेटिव बात तो एक है ये, जो इसका ये सेंटर दिया है बीच वाला, अच्छा प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म जो इसे पूरा फ्लैट कर दे मैं तो भाई यही है इसके अंदर कमी और बाकी कुछ नहीं है, मतलब बहुत बढ़िया हो जाएगा, बहुत बढ़िया वाला हो जाएगा। तो भाई देखो, किसान ऐसा नहीं है कि भाई सभी चीज़ों में बड़ाई कर रहे हैं अपने ट्रैक्टर की, जो उन्हें पसंद आती है चीज़ वो उन्हें बढ़िया लग रही है, जिस लायक ट्रैक्टर है वो बता रहे हैं, और जो चीज़ इसमें बाकी में कमी है कि भाई इसका प्लेटफॉर्म, जैसे 55 HP कैटेगरी का ट्रैक्टर है उसके हिसाब से इसका प्लेटफॉर्म जो है भाई वो इकसार होना चाहिए, जिससे चलाने वाले को आराम ज़्यादा मिल सके। अच्छा, आप जब इसे लेने जा रहे थे तो और कौन सा आपके दिमाग में था कि भाई ये लेना है या ये लेना? लेने को तो वैसे फार्म टैग भी और महिंद्रा भी, पर महिंद्रा का तो हमें लुक ही अच्छा नहीं लगा। अच्छा हाँ, फिर लोगों ने, जो लोग बाग हमारे आस पड़ोस में चला रहे हैं किसान भाई, उन्होंने इसकी बहुत बड़ाई करी थी।
तो मतलब ये ट्रैक्टर आपको पूर्ण संतुष्ट हो इस ट्रैक्टर से? पूर्ण संतुष्ट है। तो भाई देखो किसान भाइयों, जो किसान यूज करने के बाद बताता है चीज को, वो ही सच्चाई होती है, क्योंकि कंपनी वाले तो अपनी अपनी की बड़ाई करते हैं। अब अगर आप न्यू होलैंड वालों से बात करोगे तो वो इसमें एक भी कमी नहीं बताएंगे। और देखो किसान ने जो बात बताई है वो इसमें है, जो अच्छाई है वो अच्छाई है, जो इसमें गलत लगती है किसान को वो गलत ही लगती है। तो एक बार भाई साहब इसका दूसरे के हाई में एक फांट ला के दिखाओ कैसा चलता है। तो भाई ट्रैक्टर स्टार्ट करवाते हैं और इनसे सेकंड के हाई में गियर में चला के दिखवाता हूँ आपको एरो, क्योंकि ये रिडक्शन में आता है और इसमें स्लिप की तो कोई मतलब है ही नहीं भाई। हैरो ट्रॉली के मामले में ट्रैक्टर बहुत ज़बरदस्त है। ये देखो दूसरे के हाई में ट्रैक्टर को पता भी नहीं चल रहा कि भाई क्या है, क्या लोड है, कुछ नहीं। और ये सिवाई दो बार की जीती हुई सिवाई मिट्टी है, और भाई इसमें तो कोई मुकाबला ही नहीं रहता। देखो ट्रैक्टर के परफॉर्मेंस देखो आप। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।